शिमला शहर में बीते तीन दिनों से दिन के समय अत्यधिक भारी बारिश देखने को मिल रही है। यह बारिश करीब एक घंटे के अंतराल में देखने को मिलती है। जाते हुए मानसून के दौरान हो रही भारी बारिश से लोगों को डर सता रहा है। शिमला में इस वर्ष बारिश से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को डर सता रहा है कि जाता हुआ मानसून बीते वर्ष की तरह तबाही ना मचाए। यूं तो शिमला शहर के मौसम का अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि ऊंचाई अधिक होने के कारण कभी धूप, कभी बारिश और कभी धुंध जैसी स्थिति देखने को मिलती है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के लिए आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन बिना किसी अलर्ट के भी शहर में भारी बारिश देखने को मिल रही है। इस कारण लोगों के मन में डर पैदा हो रहा है। बता दें कि बीते वर्ष 14 अगस्त को शिमला में भयानक घटना देखने को मिली, जिसमें 20 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इसके बाद शहर में भूस्खलन का सिलसिला मानसून खत्म होने तक लगातार देखने को मिला था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक बारिश जिला सोलन के कसौली में 3 सेंटीमीटर दर्ज की गई। वहीं शिमला में 2 सेंटीमीटर, जिला कांगड़ा के बैजनाथ में 2 सेंटीमीटर, जिला शिमला के जुब्बड़हट्टी में 2 सेंटीमीटर, कुफरी में 1 सेंटीमीटर, जिला बिलासपुर के काहू और नैना देवी में 1-1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों में सबसे कम तापमान जिला लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी में 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और सबसे अधिक तापमान बिलासपुर में 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।